एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, हम लोग आज हमारा बैंकॉक में सेकेंड डे और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सफारी वर्ल्ड के लिए। सब लोग रेडी हो गए, सबका ब्रेकफास्ट हो गया है और आज ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल गए थे जो हमारा पेट भर गया है। और मैं मिलवाती हूँ सबसे। बाबू, हेलो, हाय करो। हाय डैड, हम या हो गए और तो देखिए ये हैं बच्चों के फ्रेंड्स, मतलब डेली यहाँ का जो स्टाफ था उनके फोटोज़ वगैरह क्लिक करते थे, उनके साथ मस्ती करते थे। तो गाइस, बस अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। हमें शायद 1 आवर जितना जैसा लगेगा जाने में। बस ये अभी हम मरीन वर्ल्ड में हैं। यहाँ पे चलते चलते इतना सब थक गए हैं कि बच्चों ने गिव अप कर दिया कि उनको अब नहीं चलना। मतलब अरु तो बिल्कुल ही बैठ गया, उसके गोदी में ही लेके चलना पड़ा। तो यहाँ पे इस तरह का एक डॉल्फिन वाला ये प्रेम है, तो दोनों के लिए हमने ये लिया है रेंट पर। तो अब हम आ गए हैं काउबॉय शो देखने। ये हमें सबसे बेस्ट लगा यहाँ पर। Oh!
थे कि इस तरह से ना इसमें लॉक भी था, तो हम कार वॉश शो देखने गए, तो यहाँ पर इनकी अलग से पार्किंग थी, यहाँ पर पार्क करके चले जाओ। और अब हम लोग जा रहे हैं सफारी वर्ल्ड में, जो हमें जो राइड लेनी है वहाँ पर, तो हमने यहाँ पर बस लेनी पड़ी हमें, क्योंकि हम होटल से ही लेट निकले थे, मतलब हम 1 बजे तो पहुँचे थे, मतलब लोग सुबह सुबह ही पहुँच जाते हैं, तो लास्ट ऑप्शन बस का ही था। सारी जो जीप थी, जो कार थी, सब फुल हो चुकी थी। तो आई होप आज का ये आपको व्लॉग बहुत पसंद आने वाला है, मतलब यहाँ पे बच्चों के तो मज़े ही आ गए। पहले उन्होंने वो सारे शोज़ देखे, जैसे डॉल्फिन शो था वो हमारा निकल गया था, हमने सी हॉर्स वाला देखा, तो बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर भी आप टाइगर और लायन, जिराफ, ज़ीब्रा सब कुछ है, मतलब ये जो सफारी वर्ल्ड है ना, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमल जो है वो फ्री रह सकते हैं, मतलब उनको गॉड, मतलब इतने मज़े आए, बच्चों को इतने मज़े आए टाइगर देखने में, जैसे बच्चे बुक्स पर पढ़ते हैं, और ऐसे सामने पहली बार बच्चों ने देखा था, तो ये ना बहुत मतलब एकदम फ्री थे, क्योंकि इनके पास इतना एरिया था, किसी केज में नहीं थे। तो ये सफारी वर्ल्ड ना कहीं पे भी अगर आप जाओ, जैसे इंडिया में भी कहीं बहुत जगह होते हैं, तो आप ज़रूर जाना, मतलब यहाँ पे ना एनिमल्स फ्री रहते हैं, उनको फ्रीडम होती है, तो मज़े आते हैं उनको देखने में। और यहाँ पर ही हमें मिले भालू, बैर देखने के लिए, मतलब भालू ऐसे बोलते हैं ना आलसी होते हैं, तो सच में आलसी इतने हैवी होते हैं, इनका इतना वेट होता है, तो आराम से पड़े हुए हैं वाटर में, बैठे हुए हैं, बस मज़े कर रहे हैं। यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं स्काई वॉक के लिए, अभी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, जैसे टैक्सी आ जाएगी तो फिर यहाँ से निकलेंगे। और सब टायर्ड हो गए, बच्चों ने बहुत बहुत मतलब बच्चे बहुत टायर्ड हो गए थे। तो पहले हम सफारी वर्ल्ड से स्काई वॉक जाने वाले थे, बट रास्ते में इतना ट्रैफिक था, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब हम जा रहे हैं खाउसन रोड, तो वहीं जाकर अब हम डिनर करेंगे। ये नहीं खाना होता है हमको, मीट थोड़ा खाते हैं हम, फिश है ये, फिश है, फिश खाते हैं हम, नहीं खाते फिश, फिश नहीं खाते। हाँ, ऐप लगाएंगे। तो गाइस ये है खाउसन रोड, मतलब यहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट भी है, और पूरे ओपन यहाँ पे बार्स भी होते हैं, और यहाँ पर सब लोग ना ऐसे देखिए हाथ में अपने अपने मेन्यू लेकर खड़े रहते हैं कि आओ आप यहाँ पे खाओ, यहाँ पे खाओ। तो हम एक जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे ही हम खाएंगे। और मतलब यहाँ के खाउसन रोड पर ये रात के 2-3 बजे तक ओपन रहती है, यहाँ पर आके भी आप इंजॉय कर सकते हो, बट पूरे दिन क्या बच्चे इतना थक गए हैं, तो हमें हमारा जो ट्रिप है ना, वो हम हमेशा जब से बच्चे हुए तब से हम बच्चों के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं, क्योंकि हमें घूमने का भी शौक है, घूमने भी जाना है, ऐसा तो नहीं बच्चों को लेकर घर में बैठे रहेंगे। तो बस कि खाउसन रोड इंजॉय करिए, हमें पसंद आई थी, बच्चों ने भी यहाँ पर खूब मस्ती करी, खूब डांस किया, और हमने अच्छा अच्छा खाना खाया। बस हमने कोई शॉपिंग नहीं करी, क्योंकि बच्चे टायर्ड थे, तो कुछ शॉपिंग करने के लिए कुछ 1-2 शॉप पर रुकना पड़ता है, बट हमारे पास वो भी टाइम नहीं था। मतलब ये रोड पे आने का टाइम जो है ना, वो 9 बजे से स्टार्ट है, और हमने 9 बजे यहाँ से एग्जिट ही कर लिया था। तो अब हम आ गए यहाँ पे डिनर करने। हम फिश खाते हैं, वो सब मीट मिल रहा था, हम मीट नहीं खाते हैं।
गाइस हमारा डिनर हो गया है। मैंने डिनर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, इतनी भूख लग रही थी हमें, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे और फिर वहाँ पे ऐसे ही हमने थोड़ा बहुत अपना हम जो लेके गए थे चकली मठरी ये सब कुछ हमने खाया था, मतलब लंच हमारा ऐसे हुआ था, वहाँ पे कोकोनट वगैरह पी लिया था। तो ये है बैलेंस बार टेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमने खाना खाया था। ये अंकल पंजाबी थे जो यहाँ पे ही रहते हैं, मतलब 35 ईयर्स से, तो हमने उनका खाना खाया था, खाना बहुत टेस्टी था। Temple? I know. Mommy bee.